वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आपको मुझे देख के लग रहा होगा कि मैं इतनी तैयार क्यों हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं जा रही हूँ बिग बाजार। मेरी बेटी का जिद था कि मुझे जाना है, तो उसे लेकर मैं जा रही हूँ। और ये मेरा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं बिग बाजार में। तो अब हम लोग मॉल में आ गए हैं और अब सबसे पहले मेरी बेटी कुछ खाएगी, उसके बाद ही वो मुझे कुछ करने देगी, घूमेगी फिरेगी। तो चलिए अब हम लोग जा रहे हैं पिज्ज़ा से। तो वो अभी ऑर्डर आने में बहुत लेट है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बातें कर लूँ। देखो जाकर आ गया ऑर्डर तुम्हारा। 74 तुम्हारी का ऑर्डर आ चुका है। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को लेके थ्रिल पार्क। 3D में है ये, और ये मेरी बेटी को बहुत दिन से देखने का मन था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं दिखा देती हूँ। तो अब मैं टिकट ले रही हूँ। टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर जाएंगे और ये 20 मिनट का शो होता है। बहुत डरावना था ना बेटा? कैसा था बताओ, कैसा था बताओ? Wow, it was so amazing. I love when ghosts are alive. और वो वाला जो फर्स्ट में हम लोग का अर्थक्वेक आया था, फिर घोस्ट वाला शो हुआ था, और लास्ट में हम लोग का ट्रेन वाला था जहाँ, जो बहुत अमेजिंग था। घोस्ट वाले मुझे थोड़ा सा डर लगा, बहुत अमेजिंग था, आई लव इट। मैंने तो पूरा शो एंजॉय किया, पर वही चीज़ अगर रियल में। तो 3D थिएटर से निकलने के बाद अब वो फिर से कुछ खाएगी, तो उसे अब कुछ मीठे में खाना था, तो वो उसने डोनट लिया है, तो अब वो डोनट खा रही है। और इसे खाने के बाद तब हम लोग जाएंगे बिग बाजार के अंदर और कुछ शॉपिंग करेंगे। तो गाइज़, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए, सेकंड फ्लोर से मैं ये पूरा व्यू ले रही हूँ PNM मॉल का। हमने शॉपिंग भी कर ली है, तो अब हम लोग नीचे आ गए हैं। और नीचे से देखिए ये मॉल का व्यू कुछ ऐसा आता है, और नीचे में भी कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती है। तो यहाँ मेरी बेटी आइसक्रीम खा रही है, चॉकलेट आइसक्रीम, और उसके बाद उसने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किया है। फिर मैं थोड़ा कॉफ़ी पीऊँगी, थोड़ा हम लोग यहाँ बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग घर के लिए निकलेंगे। सारा दिन
शॉपिंग हो गई है, अब जोर से बोलिए ना अब तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है। अभी से तो बोला नहीं जा रहा, मैं ही बोल देती हूँ क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ चलते चलते ऊपर नीचे करते करते। मम्मा ने बहुत भारी बैग उठाया, हमने तो बहुत मार्केटिंग की है, थक गई है। तो अब मैं घर जाकर आप लोगों से मिलती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो गाइस, तो अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर और अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मैंने बिग बाज़ार से क्या क्या लिया है। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैंने एक ये लिया है जार छोटा सा, इसमें मैं अपने छोटे छोटे स्पून्स वगैरह रखूँगी। और इसका प्राइस है 130 का है ये। और ये मैंने लिया है पॉमिक स्टोन पैर को रगड़ने के लिए, फुट को रगड़ने के लिए, और इसका प्राइस है 80 रुपीस। और ये लिया है मैंने ये मैंने यहाँ लिया है वाइप और इसका प्राइस है 110। और इसमें कितने हैं, 30, देखिए यहाँ पे लिखा है 30 वाइप्स हैं इसमें। तो मैंने अपने काम की सारी चीज़ें तो ले ली, अब मैं अपनी बिटिया रानी के काम की चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि उसने अपने लिए क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले उसने अपने लिए एक क्यूट सा लंच बॉक्स लिया है और ये मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसमें 3 खाने होते हैं, तो इसलिए ये मुझे पसंद आया। और इसका प्राइस है 200, इसका प्राइस 200 है। तो इसमें 2 स्पून भी है साथ में। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा था अपनी बेटी के लिए और जिसे मैंने चूज़ किया वो है ये क्यूट सी बारबी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने ये अपने तरफ से अपनी बेटी के लिए लिया है। और इसका प्राइस है इसका प्राइस कहाँ गया, आई थिंक 200, इसका प्राइस है 200, जी हाँ, तो इसका प्राइस 200 है, ये मुझे 200 में मिला है। और एक ये मैंने लिया है जलेबी मेकर और इसमें जलेबी पाउडर भी है, तो मैं बना के देखूँगी कैसा लगता है और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सो तब तक के लिए बाय बाय।